सो गाइज वेलकम टू वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू, जो कि ये मुंबई सिटी के अंदर बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये एंट्री का जो नज़ारा है, एंड यहाँ पे फाउंटेन ऐसे बनाना के थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, तो बेसिकली यहाँ पे टिकट कलेक्ट करना होता है। टिकट का प्राइस बहुत ही मिनिमल है गाइस, तो अगर कपल्स हैं एंड फैमिली हैं देन 100 रुपीज़ दे आर टेकिंग, अगर आप पर पर्सन है देन इट इज़ 50 रुपीज़। तो हमारा टिकट कलेक्ट हो गया, हम लोग एंट्री कर रहे हैं। एंट्री के बाद आपको तीनों दिशा में 3 डायरेक्शन मिलेगा। तो हम लोग पहले लेफ्ट में जा रहे हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री के मतलब बगल में मैप बना के रखे हैं कहाँ पे कौन सा एनिमल है, एंड आप अगर कोई मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो ना आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए गाइस, तो अंदर आपको ऐसे एक टैंक मिलेगा, मतलब पुराना टैंक है बहुत, बस इसको मतलब ऐसे रखे हैं लोगों को दिखाने के लिए। फर्स्ट आपको एलिफेंट मिलेगा अगर आप लेफ्ट के डायरेक्शन में आ रहे हो। एक ही हाथी है बट बहुत ही बड़ा है, पूरा ओपन स्पेस में है तो आप अच्छे से इसको देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइगर है, सो क्राउड बहुत ही ज़्यादा है। ग्लास के घर के अंदर टाइगर है, बहुत ही अच्छी तरह से आप पास से पूरा देख सकते हो। ये देखिए, मैं बहुत ही लोगों को हटा के अंदर आई हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। ये देखिए पूरा सामने से आप देख सकते हो बस। नेक्स्ट वाले वो है बियर, सो यहाँ पे 2 बियर है, आप देख सकते हो दोनों खेल रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं मुझे नहीं पता लग रहा है। अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मोगली एंड ऑल दोस छोटा भीम एंड ऑल दोस का स्टैचू है। अभी हम लोग कछुए वाले सेशन में जा रहे हैं। हटे ना बॉसी नहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनको लाइट दे के रखे हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पानी के अंदर भी हैं। ये भी स्टैचू जैसा है बस पांडा की है, मासा बियर की वो है। चलो हो गया, आजा आजा आजा। नहीं 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 मम्मी डा। यहाँ पे दोस्तों है स्पॉटेड डियर, सो बहुत ही दूर है, सो मैं थोड़ा सा जूम इन करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हैं बड़े बड़े सिंग वाले डियर हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं पेंगुइन वाले सेक्शन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, एंड यहाँ पे बहुत सारे रोज एंड लेन जैसे बना के रखे हैं, एंड अंदर छोड़ रहे हैं 1 by 1। तो ये एक एसी वाला घर है, देख सकते हो आप।
यहाँ पे 3D ऑडिटोरियम है। गाइस कितने सारे पेंगुइन हैं, ये देखिए ऊपर एक बैठा हुआ है छोटा सा। Let me zoom in a little more. Yeah. यहाँ पर भी चार पांच है। तो वहां से एग्जिट होके दोस्तों हम लोग जा रहे हैं बर्ड्स वाले सेशन में। बहुत सारे बर्ड्स हैं दोस्तों, आई मीन बहुत ही अच्छा लगा देख के। बहुत सारे कलरफुल पैरट्स है एंड पिकॉक है, पीजन एंड ऑल बहुत सारे हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स ऑल्सो है जिसका नाम भी मुझे अच्छी तरह से नहीं पता है। इसे ऊंट भी करा चली, इसको आप देख तो गाइस वहां से एग्जिट होके हम लोग बेटी को थोड़ा सा खिलाना था, सो यहाँ पे आ गए। यहाँ पर खेलने के लिए बहुत ही बड़ा पार्क जैसा है, सो सारे काइंड ऑफ गेम्स यहाँ पे है। सो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स स्पेंड किए एंड उसके बाद थोड़ा सा स्नैक्स खाए। बाहर जाने से पहले यहाँ पे एक स्टॉल जैसा है, वड़ा पाव समोसे वगैरह वहाँ पे मिलता है, चाय तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्नैक्स खा के वहाँ से निकल आए। बेसिकली आई विल से इट्स ऑलमोस्ट हैबिट। ओके